अल्मोड़ा जिले में बीजेपी ने सीडीएस विपिन रावत के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष रवि रौतेला ने कहा कि सीडीएस विपिन रावत हमारे देश की शान थे। उनका निधन होना देश के साथ ही उत्तराखंड के लिए भी बड़ी क्षति है। वहीं उन्होंने अपनी रणनीति के बदौलत दुश्मन देशों को सबक सिखाया था, साथ ही उनके योगदान को देश कभी नहीं भुला सकता। वहीं उन्होंने बीजेपी की तरफ से जिले के सभी मंडलों में उनके निधन पर शोक सभा आयोजित करने की बात कही। बहुत दुख का विषय है कि हमारे उत्तराखंड के गौरव, साथ ही पूरे भारत के गौरव विपिन रावत जी का कल विमान दुर्घटना में आकस्मिक निधन हुआ। जैसे ही ये समाचार आया, यहाँ के सारे जनमानस इस संकट की घड़ी में बहुत व्यथित था। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी जनपद अल्मोड़ा के सभी 23 मंडलों में ये श्रद्धासुमन के कार्यक्रम अर्पित किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जनपद अल्मोड़ा इस संकट की घड़ी में उनके शोक संतप्त परिजनों को शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों को इस संकट की घड़ी को सहन करने की भगवान से प्रार्थना करते हैं। नैनीताल में बीते दिनों जिला प्रशासन और पालिका टीम के पंथ पार्क में लगने वाले फड़ों को जब्त करने की कार्रवाई को लेकर अब फड़ कारोबारी संगठन विरोध पर उतर आए हैं, जिसको लेकर नेशनल हॉकर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शक्तिमान घोष ने कारोबारियों के साथ बैठक की। बता दें कि बैठक में संगठन पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन की तरफ से की गई ध्वस्तीकरण कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट जाने की बात कही। साथ ही इस दौरान उन्होंने शहर में बनी टाउन वेंडर कमेटी को भी अवैध बताया। ये मीटिंग हम लोग इसीलिए आया हुए, इस मीटिंग रखा हूँ, जो जिस तरीका से पार्लियामेंट की 2014 को कानून को कुचल रहे या प्रशासन, उनका खिलाफ कानूनी अधिकार देने के लिए इस अन्याय के खिलाफ उसका सामान को लूट कर रहे, लूट करके तोड़ के बेचते रहे, आग जला रहे, जो कानून के खिलाफ है। इस 2014 की कानून पार्लियामेंट से पास हुआ, उस कानून को अमल ना करते हुए ये काम कर रहे। हाईकोर्ट में भी जो आदेश दिया है और ये जो काम कर रहे म्युनिसिपैलिटी, ये पूरा काम कानून के खिलाफ, इसीलिए हम उस आदेश को भी चैलेंज करने के लिए आएंगे। चमोली जिले में एनएचएम कर्मचारियों का 2 सूत्रीय मांगों को लेकर तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार जारी रहा। बता दें कि कर्मचारी ग्रेड पे दिए जाने और आउटसोर्स खत्म करने की मांग को लेकर 3 दिन से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं एनएचएम कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तो वो इमरजेंसी सेवाएं भी खत्म कर देंगे। हमारी, जैसे आपको पता है कि 7 तारीख से कार्य बहिष्कार चल रहा है और 2 सूत्रीय मांगे हमारी, एक हरियाणा की तरफ से ग्रेड पे और एक हमारा जो आउटसोर्स एनएचएम में जो हमारे लोग हैं आउटसोर्स खत्म करके उनको स्वास्थ्य समिति में समायोजन की मांग है और एक एचआर पॉलिसी है जो काफ़ी टाइम से शासन एवं विभाग में वार्ता भी चल रही है, लेकिन अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। हम लोग, आज तीसरा दिन है हमारा और जैसे कि आपको पता है कि हम दो सूत्रीय मांगे हमने डिमांड में रखी हुई है। एक तो हरियाणा के तट पे हम लोगों को रखा जाए और दूसरा हम लोग चाहते हैं कि जो आउटसोर्सिंग वाले हैं उनको भी हमारे इस स्वास्थ्य समिति के अंदर डाला जाए, और अगर ये रणनीति फिर भी 3 दिन तक भी पूरी नहीं की जाएगी तो कल से हमारी जो इमरजेंसी सेवा है वो भी हम उनके साथ, जो भी हमारे स्टाफ नर्स वगैरह हैं वो भी हमारे साथ कल से शामिल हो जाएंगे। नैनीताल जिले में कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत ने सूखाताल झील रिचार्जिंग जोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के काम का निरीक्षण कर अधिकारियों को झील के सौंदर्यकरण और उसकी गुणवत्ता को लेकर जरूरी आदेश दिए। इस दौरान कमिश्नर ने कहा कि झील की देखरेख करने से यहां पर्यटन को फायदा मिलेगा, साथ ही स्थानीय लोगों को भी रोजगार दिया जाएगा। इस दौरान कुमाऊं मंडल विकास निगम के एमडी ने कमिश्नर को क्षेत्र में किए जा रहे काम की जानकारी भी दी। प्रोजेक्ट है सूखाताल लेक रिजुविनेशन का प्रोजेक्ट है और इसका उससे निजात मिलेगी, बहुत सुंदर ये दिखेगा, एक टूरिस्ट एक्टिविटी जनरेट होगी यहाँ पे,
चाहे बोटिंग के टर्म्स में हो, चाहे यहाँ पे जो आप कैस्केड बना रहे हैं उसके टर्म्स में हो। इसके अलावा जो पानी आपका तुरंत बह जाता है वो तुरंत ना बह के यहाँ पे रुकेगा कुछ टाइम, रिचार्जिंग का काम भी करेगा, और कुल मिला के ये केव गार्डन से भी जुड़ रहा है, पार्किंग के भी नज़दीक है, बाकी एक्टिविटीज से इंटीग्रेट हो रहा है, तो नैनीताल के टूरिज्म के लिए एक अच्छी उपलब्धि होगी। पौड़ी जिले के द्वारीखाल ब्लॉक के अध्यक्ष ने CDS जनरल विपिन रावत के घर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान CDS के सबसे छोटे चाचा भरत सिंह रावत ने जनरल के गांव आने की बात कही। वहीं इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी ने CDS जनरल विपिन रावत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की बात कही। पिथौरागढ़ में दो सूत्रीय मांगों को लेकर NHM कर्मचारियों का धरना लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा, जिसके समर्थन में अब जिला ट्रेड यूनियन भी सामने आई और कर्मचारियों के साथ धरना दिया। इस दौरान ट्रेड यूनियन के जिला अध्यक्ष दिनेश गुरुरानी ने कहा कि कोरोना में अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने वाले इन कर्मचारियों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। बता दें कि NHM कर्मचारी वेतनमान देने के साथ ही आउटसोर्सिंग प्रक्रिया को बंद करने की मांग कर रहे हैं। हमारा राज्य सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि इनकी जायज मांगों को कायदे के अनुसार तो इनको नियमित करना चाहिए था। कोविड काल में जब इन्होंने इतनी मेहनत की है, अपनी जान को जोखिम में डालकर इन लोगों ने कार्य किया है, सरकार ने इनको प्रोत्साहन के रूप में इनका नियमितीकरण करना चाहिए था। नियमितीकरण तो दूर, हरियाणा की तर्ज पर इनको ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा, अन्य 60 साल की सेवाओं का लाभ इनको नहीं दिया जा रहा है, तो इसके लिए ये लोग संघर्षरत हैं। जिला ट्रेड यूनियन सहित हमारे जनपद के सभी कर्मचारी संगठन इनके साथ हैं। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने CDS जनरल विपिन रावत के पैतृक गांव सेना में पहुंचकर शहीद CDS और उनकी पत्नी की फोटो पर माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान उन्होंने CDS के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दी। वहीं उन्होंने कहा कि CDS विपिन रावत को हमेशा याद किया जाएगा, वे हमेशा हमारे लिए अमर रहेंगे। साथ ही इस मौके पर उन्होंने CDS के परिजनों को हर संभव मदद दिलाने का भी भरोसा दिया। देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का कल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसी संबंध में आज उनके पैतृक निवास स्थान जो है ग्राम सेना, यहाँ पर मैं उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए और अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सर्वप्रथम हमने उनके फोटो पर जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया, साथ में परिवार के साथ में जो है हमने शोक संवेदना व्यक्त की, उनसे बात किया। परिवार द्वारा इस बारे में अवगत कराया गया है कि ग्राम की अन्य समस्याओं के साथ साथ सड़क की एक प्रमुख समस्या उनको महसूस होती है, उस संबंध में कार्रवाई करने का उन्होंने अनुरोध किया है। इसमें हमने PWD के उच्च अधिकारी से वार्ता किया है, उन्होंने अवगत कराया है कि इसमें एक सड़क सैंक्शन हो रखी है। अल्मोड़ा में 17 और 18 दिसंबर को होने वाले आजीविका महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि महोत्सव में प्रदेश के CM पुष्कर सिंह धामी और जिला प्रभारी बिशन सिंह चुफाल भी शिरकत करेंगे। वहीं महोत्सव को लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिले में बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को रोजगार की जानकारी देने के लिए आजीविका महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आजीविका महोत्सव का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसलिए अल्मोड़ा जनपद में इसको शुरू करने का प्रयास किया है ताकि स्वरोजगार के जो अवसर अल्मोड़ा के में विभिन्न क्षेत्रों में कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां, पर्यटन इत्यादि में उपलब्ध हैं, उसकी जानकारी अल्मोड़ा में जो बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं, महिला SHGs हैं, उनको मिल पाए और कुछ विशेष विषयों पर विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण भी प्राप्त हो पाए। तो इसमें बहुत सारे विभाग अपनी कार्यशालाएं कर रहे हैं, जैसे होमस्टे को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, एग्जॉटिक वेजिटेबल के कल्टीवेशन पर उद्यान विभाग एक कार्यशाला करेगा,
कमर्शियल पोल्ट्री कैसे करना है उसको, उस पर लाभार्थियों की कार्यशाला पशुपालन विभाग के माध्यम से इसमें की जा रही है। विभिन्न जो स्वरोजगार योजनाएं हैं उनके अंतर्गत जिन लाभार्थियों ने भी अप्लाई किया है लोन के लिए, बैंकों के माध्यम से भी इसमें एक कार्यशाला और स्टॉल का इसमें आयोजन किया जाएगा, जिसमें उनके ऋण वितरण इत्यादि की कार्रवाई भी होगी। देहरादून में ऋषिकेश के श्री भरत इंटर कॉलेज के 32 एनसीसी कैडेट्स और उनके 4 टीचर्स को आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई देखने का मौका दिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सभी एनसीसी कैडेट्स से बातचीत की और उनके प्रश्नों का जवाब भी दिया। वहीं बता दें कि सदन की कार्रवाई देखने के बाद सभी एनसीसी कैडेट्स में गजब का उत्साह देखने को मिला। जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उन्हें कितना सबको देखना पड़ता है, सबकी बातें सुननी पड़ती है और उसमें से भी किसी को ही लेना पड़ता है जो सही है। मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल होता होगा ये सब करना कि ये सबकी बातें सुनना है। यहाँ पे विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है और इस कार्यकाल का ये अंतिम सत्र हम लोग मान के चल रहे हैं। तो हमारे एनसीसी कैडेट्स जो भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश से यहाँ आए हैं, 32 कैडेट्स हैं, 4 उनके साथ में शिक्षक गण हैं, उन्होंने आज सदन की कार्रवाई देखी। क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है इसलिए मुझे भी अच्छा लगा और इनसे मैंने बातचीत की, इनको कैसा लगा इनको भी बहुत अच्छा लगा। अब आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक बार पहली बार तो इन्होंने विधानसभा की कार्रवाई देखी और संयोग से मैं यदि अध्यक्ष विधानसभा इनके विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधायक के रूप में आया हूँ तो मेरा फर्ज बनता था मैं इनका स्वागत करूं, इनका अभिनंदन करूं।